हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का टॉप 35 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो मॉडरेट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में ये सब पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रथम में जर्मेनियम का प्रयोग समानता में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो हो जाएगा अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी याद करिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी फसल आखाद फसल है, कौन सी फसल आखाद फसल है, ये हो जाएगा रेशा फसल, जो एक आखाद फसल है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता, समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता, वो हो जाएगा सी वयस्क मताधिकार, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट, यदि किसी राजनीतिक पार्टी को या अधिक राज्यों में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई है, तो उस पार्टी को पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा, तो उसका आंसर ए हो जाएगा, चार पार्टी के रूप में जाना जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आंतरिक विज्ञान में विषय को शामिल नहीं किया जाता, कौन सा विषय को आंतरिक विज्ञान में शामिल नहीं किया जाता, वो जगह मानव विज्ञान को शामिल नहीं किया जाता, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, पादव और सूक्ष्म जीव की गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं, पादव और सूक्ष्म जीव किसमें सुधारने में, तो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसको गुणवत्ता सुधारने में मदद करते हैं, उसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेंट पीटर्स स्क्वेयर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है, सेंट पीटर्स स्क्वेयर कहाँ स्थित है, वो जगह वेटिकन सिटी में, जो अमेरिका में है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, समानता पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल नहीं किया जाता, तो वो है कोलाइडल को शामिल नहीं किया जाता, इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित नहीं किया गया था, कौन सा स्थल है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा मैथेरन हिल स्टेशन, विश्व विरासत स्थल में नहीं शामिल है, इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर भूगोलवेत्ता हो जाएगा सी, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, रहने वाले थे, इसका आंसर बी हो जाएगा पंजाब, तो इसको आप याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, तो वो हो जाएगा सी 1905 ईस्वी को भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट, एमएस वर्ड का एक उदाहरण है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक एमएस वर्ड, इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का गुणधर्म नहीं है, मिश्रण का गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसकी संरचना निश्चित है, इसकी संरचना निश्चित नहीं रहता मिश्रण को, इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, IUCN के संकट ग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो वो हानिकारक प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना वर्ष में की गई थी, कितने ईस्वी में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का, वो जगह 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है, बाल कल्याण योजना नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वयं सिद्धा एक बाल कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आता, उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग में नहीं किया जाता, उसमें से चार ऑप्शन में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता, वो है मिक्सर और ग्राइंडर में इसका प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, DNS से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म बताना है DNS को, इसका आंसर ए हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम इसका DNS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कर्बोसियर की वस्तु शिल्पी कृति में स्थित है, वो कहाँ है, वो हो जाएगा चंडीगढ़ में है ली कर्बोसियर, इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है, यानी इसका फुल फॉर्म बता रहा नीति का, तो इसका जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बी आंसर है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, CD-ROM एक है, CD-ROM क्या है,
तो सी डी रोम एक स्टोरेज मीडियम है, कंप्यूटर में स्टोरेज जिसका रोम का फुल पावर रीड ओनली मेमोरी होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है, पर्यावरण को जो हानि नहीं पहुंचाता है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका वन रूप पर वन को रोकने से पर्यावरण को हानिकारक नहीं है, इसको फायदा है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा एक ऊर्जा परिवर्तन नहीं है, जो ऊर्जा परिवर्तन नहीं करता वो जगह समतल कांच, कांच में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फ्लोरा और फौना संबंधित है, फ्लोरा और फौना क्या है? तो ये इसका आंसर ये सी हो जाएगा, पौधा और जंतु है, फ्लोरा और पौधा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेगा। तो नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी हैं वो 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वहाँ 21 वर्ष रहे थे, तो इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, बेन किंग्सले से संबंधित है, किससे संबंधित है बेन किंग्सले? तो वो जगह मोशन पिक्चर से वो संबंधित है, इसको भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु के रूप में जानी जाती है, तो वो है जगह सुपरसोनिक, जो ध्वनि गति से अधिक तेज ये चलती है, तो इसको भी याद रखेंगे, सुपरसोनिक। नेक्स्ट है, कोई चश्मों की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता, कौन सा है बीमारी जो चश्मा से सहायता से ठीक नहीं किया जाता? वो है मोतियाबिंद, जो चश्मा से ठीक नहीं होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में? इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड एक है, क्या है वो जगह? पर्यवेक्षी संस्थान है वो नाबार्ड, कृषि के लिए है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अकबर का निवास स्थान था, कहाँ था अकबर का निवास स्थान? तो वो हो जाएगा आगरा, आगरा अकबर का निवास स्थान था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वभक्षी नहीं है, तो कौन सा सर्वभक्षी नहीं है? तो वो जगह सांप, सांप सिर्फ मांस खाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं है, इंसान का डी हो जाएगा, सभी मौलिक अधिकार है, तो इसका नेक्स्ट डी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।